गाइस कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हुए हैं सहस्त्रधारा, जो कि आईटी पार्क से थोड़ा सा ही आगे। तो ये रहा देखिए मेरे पीछे पूरा सहस्त्रधारा आज विजिट करेंगे और आपको हमें घुमाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज आपको घुमाने वाले हैं सहस्त्रधारा आईटी पार्क पर। बहुत ही बेस्ट प्लेस है और अभी गर्मी समर सीज़न स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे लोग यहाँ नहाने आते हैं और स्विमिंग पूल वगैरह भी बने हुए हैं। बाकी नदी बह रही है, 14 किलोमीटर से ऊपर की नदी है, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो आज आपको ये पूरा प्लेस विजिट कराएंगे, घुमाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आज इस ब्लॉक में सहस्त्रधारा आपको घुमाने वाले हैं, विजिट कराने वाले हैं। तो ये सब मेरे पीछे का व्यू है और ये सबसे अच्छा व्यू है और समर सीज़न के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह बने हुए हैं, नदी बह रही है, आप नहा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, एकदम टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा है, पिकनिक प्लेस मान लीजिए। तो आज इसको विजिट करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको। तो यूट्यूब चैनल में कहीं मत जाइए, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो निकल पड़े हैं दोस्तों सहस्त्रधारा के लिए। मैं और मेरे दोस्त बाइक से जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सहस्त्रधारा जो कि ISBT से है, आपके 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के समथिंग है, ये पड़ता है नियर आईटी पार्क। आईटी पार्क बहुत ही फेमस है देहरादून में। आप जैसे ISBT आएंगे आपको पता चल जाएगा, वहाँ से आपको बस लगी हुई मिल जाएंगी। तो अभी हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा के लिए। मैं तो यहाँ सद्दो वाला के आसपास रहता हूँ, कॉलेज के आसपास अपने। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 35 किलोमीटर के समथिंग हमें सहस्त्रधारा पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं और ये देखिए वादियाँ बहुत ही अच्छी हैं। देहरादून सबसे प्रिय जगह है मेरी, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं देहरादून को प्लेसेस में। और बहुत टाइम यहाँ पे हमने गुजारा हुआ है, लगभग 4 साल मैंने यहाँ पे काटे हुए हैं। स्टडी करते करते बहुत सारी जगह मैंने घूमी हैं और आपको भी फिर मैं अपने ब्लॉग में घुमाता ही रहता हूँ, एक्सप्लोर कराता रहता हूँ, हर जगह विजिट कराता रहता हूँ, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको हर चीज़ अच्छे से पता रहे। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट प्लेस है सहस्त्रधारा। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ इन 4 सालों में, और 1.5 साल तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं जा पाया। तो अभी टाइम मिला हुआ है तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो देखिए हम वहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये पूरा उसी रोड पे है, आईटी पार्क निकलते ही हमने सहस्त्रधारा वाला रोड पकड़ लिया है। सहस्त्रधारा में सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक नदी बह रही है और वहाँ पे जो दृश्य हैं, देखने लायक दृश्य हैं, आपको दिखाएंगे। पूल, स्विमिंग पूल जैसे वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे पूल्स बने हुए हैं। कोई चार्ज नहीं है गाइस, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपके खाने पीने का ही बस चार्ज लगता है और वहाँ पे आपको 50 रुपये में लॉकर मिल जाता है। और वहाँ पे ट्यूब वगैरह भी आपको मिल जाते हैं पानी में तैरने के लिए। तो बस हम 50 रुपये का लॉकर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर हम ISBT से बात करें तो गाइस ISBT मैंने आपको बताया था 22 से 25 किलोमीटर के समथिंग है, पर बहुत ही बेस्ट जगह है। आप अगर देहरादून से हैं या बाहर से हैं तो आपको सहस्त्रधारा जाना चाहिए, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, जी हाँ वादियों के बीच में। तो बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही बेस्ट जगह है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और घूमिए मेरे साथ सहस्त्रधारा। और जब भी आप कभी आएँ तो याद रखिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है गाइज। आपको बस मिलेगी ISBT से लगी हुई, सीधा आपको सहस्त्रधारा उतारेगी। और वहाँ से बस स्टैंड से आपको सिर्फ 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर के लिए चलना होता है। तो बस और उसके बाद आप सहस्त्रधारा को विज़िट करेंगे पूरा। बस 50 रुपये का लॉकर मिलेगा वहाँ पे, आपको ट्यूब वगैरह मिलेंगे और फिर वहाँ वादियों का बहुत ही ज़्यादा आप आनंद लेंगे, पिकनिक प्लेस है। तो हम पहुँच गए यहाँ पे सहस्त्रधारा। तो चलिए अब इसके बाद की जल्दी हम स्टार्ट करते हैं, अंदर बढ़ते हैं इसकी। तो बनी रहिए वीडियो पे एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, कॉलेज ब्लॉग और आपके डेली लाइफ ब्लॉग मेरे। तो गाइस कर दीजिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक मार दीजिए, शेयर जरूर करें वीडियो अपने दोस्तों या जो सहस्त्रधारा घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जो देहरादून में हैं, जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उन सब के लिए। तो चलिए देखिए ये पूल्स वगैरह बने हुए हैं, देखिए पूल जैसा बना हुआ है, जबकि एक नदी बह रही है, 14 किलोमीटर लंबी नदी है। और ये झरना है जस्ट हमारे सामने, जो कि ऊपर पहाड़ से ही बह रहा है और ये नदी ऊपर की साइड से आती है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए वादियाँ।